हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ हैंडबॉल के इतिहास के रिलेटेड वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप अन्य टॉपिक जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, सारे शिक्षा के इतिहास जैसे कि यूनान का इतिहास, यूनान के इतिहास के अंतर्गत होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, रोम काल, जर्मनी काल, डेनमार्क, स्वीडन आदि कालो, यानी भारत का इतिहास, यानी सारे शिक्षा के सिद्धांत, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, इन स्पोर्ट्स मेजरमेंट, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, KBS, NBS, UP, TGT, PGT एंड अन्य राज्य के TGT, PGT, LT आदि के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के टॉपिक हैंडबॉल के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं हैंडबॉल के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हैंडबॉल को पहले हैंडबॉल को पहले ओलंपिक हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल, यूरोपियन हैंडबॉल आदि नामों से जाना जाता था। उत्तरी अमेरिका में इसको कोर्ट हैंडबॉल के नाम से जाना जाता था। इस खेल का जिक्र जो है होमर ने अपने ओडेसी नामक महाकाव्य में किया था। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस खेल का वर्णन होमर ने अपने ओडेसी नामक महाकाव्य में किया था। जैसा कि आप होमर के बारे में जानते होंगे कि ये आपके यूनान के होमर काल के महान नेत्रहीन कवि थे, जिन्होंने दो महाकाव्य लिखा था, इलियड और ओडेसी, जिसके ओडिसी नामक महाकाव्य में होमर जी ने हैंडबॉल खेल का वर्णन किया है। यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि किस खेल का वर्णन होमर ने अपने ओडिसी नामक महाकाव्य में किया है, तो हैंडबॉल का। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। एंड रोम के लोग हास्पलटन नाम के एक खेल खेलते थे जो हैंडबॉल से बहुत मिलता जुलता खेल था। मध्यकालीन यूरोप में इसको कैचबॉल गेम कहा जाता था। 1948 में डानिश जिम्नास्टिक सुपरवाइजर होलार नेंसल ने इस खेल को जिम्नेजियम में हार्नबॉल्ड स्पील नाम से आर्टप नामक स्थान पर खेला था। इसका नियम जो है 1897 में बनाए गए एंड आज लगभग 143 देशों में तथा 16 मिलियन लोग इस खेल को खेलते हैं। दोस्तों, हैंडबॉल का वास्तविक शुरुआत कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हैंडबॉल का वास्तविक शुरुआत, इस खेल की वास्तविक उत्पत्ति जो है 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के जिम्नास्टिक मास्टर कुमार्ट कोच के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जर्मनी के जिम्नास्टिक मास्टर कुमार्ट कोच के द्वारा की गई। कुमार्ट कोच क्या थे? जिम्नास्टिक मास्टर थे। उन्हीं के द्वारा हैंडबॉल खेल की खोज की गई। तो यहाँ पे सबसे फिर इम्पोर्टेंट बनता है सभी गेमों के खोज कहाँ पे उत्पत्ति हुआ था, ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो बट इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने किया था हैंडबॉल का, कि जर्मनी की जिम्नास्टिक मास्टर कुमार्ट कोच ने इसकी खोज की थी 19वीं सदी के अंत में। पहले यह खेल नेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के अंतर्गत आता था एंड 1928 के एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में इस खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया, जिसमें 11 देश भाग लिए थे। दोस्तों, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है कि हैंडबॉल को किस ओलंपिक में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, तो 1928 के एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है नेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन, यानी इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन IAHF की स्थापना 1928 में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हैंडबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, हैंडबॉल को पहली बार ओलंपिक में 1936 बर्लिन जर्मनी में शामिल किया गया था एंड उसके बाद ये नहीं खेला गया ओलंपिक में। उसके बाद दोबारा से 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में इसको शामिल किया गया। एंड एशियाई खेलों में हैंडबॉल को 1982 नई दिल्ली में शामिल किया गया। जैसा कि एशियाई खेलों के बारे में आप जानते होंगे कि 1951 में शुरुआत हुआ था पहला एशियाई खेल, वो भी नई दिल्ली में भारत में, एंड 1982 में फिर से नई दिल्ली भारत में हुआ था। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम 1930 में शुरुआत हुआ था एंड भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था नई दिल्ली में।
तो दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता 1981 में हुआ था। भारत में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल प्रतियोगिता कब हुआ था? 1981 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IHF, जैसा कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो IHF यानी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुआ एंड इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका ब्यासेल स्विट्जरलैंड है एंड अध्यक्ष है हसन मुस्तफा। अब बात करेंगे AHF यानी कि एशियन हैंडबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना January 1976 में हुआ। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर शपथ कुवैत सिटी कुवैत है एंड अध्यक्ष है शेख अहमद अल फहद अल अहमद अल सबाह कुवैत के। अब बात करेंगे हम IHFI यानी हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1972 रोहतक हरियाणा में हुआ। इसके फाउंडर हैं जगत सिंह लोहन, रोहतक हरियाणा के। वर्तमान अध्यक्ष हैं जगमोहन राव एंड इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये था हैंडबॉल से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 100%। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, इसके अंतर्गत हैंडबॉल से हिस्ट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक समाहित हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों दोस्तों पे शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। एंड दोस्तों जितने भी टॉपिक फिजिकल एजुकेशन के हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चाहे KBS हो, NBS हो, UPTGT हो, PGT हो, फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। सभी के सिलेबस सेम है फिजिकल एजुकेशन के, सब चाहे LT हो, चाहे कोई भी एग्जाम फिजिकल एजुकेशन की प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के सेम सिलेबस हैं। तो आप बेधड़क इस चैनल पे आ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी तो सबसे बेहतर है। आप कोई बुक लेकर के जरूर तैयारी कीजिए एंड इस चैनल से जुड़ के आप डिटेल में किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे कि स्पोर्ट ट्रेनिंग आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट से स्पोर्ट ट्रेनिंग से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोपिंग हो गया, चोट हो गया, डिजीज हो गया, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन सब टॉपिक के बारे में मैं वीडियो आगे बनाने वाली हूँ, तो बस आप चैनल पे बने रहिए, मैं अपना प्रयास जारी रखूंगी, आप अपना प्रयास जारी रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।